चलिए दोस्तों साथ मिलके देखते हैं ये पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अमेरिका ने चाइना में चिप मेकिंग जो हो रही है उसको फर्दर रोकने के लिए डील्स रोकी हैं। तो बेसिकली दिस इज एन एफर्ट टू स्लो डाउन चाइना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो उससे ये होगा कि कैपेबिलिटीज जो है उनकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक वगैरह दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द टेक्नोलॉजिकल। बिल्कुल, ये तो इसीलिए तो आदमी कह रहा है, इसलिए हम सब कंप्लेन कर रहे हैं। चाइना का सवाल ये है कि चाइना एरिया जहां पर ये डर रहे हैं इज दे आर गोइंग टू स्टॉप सेंडिंग हाईटेक स्टफ टू चाइना। सो दे आर वेरी वरीड। यू वोंट बिलीव 1.1 करोड़ पीपल हैव अप्लाइड फॉर शिफ्टिंग आउट ऑफ चाइना। These are high income people, high tech people, or billionaires. 1.1 crore people applied for permanent residency into countries like America, Canada, Europe. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक बात कही जा रही है, जो एक डील हुई है सबमरीन की और इसमें यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू चैलेंज चाइना, और इसमें कहा जा रहा है कि ये बिग मूव है। अब जो इंडिया का जो रोल आता है वहाँ पे, देर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो हु कैन वर्क एज न्यूक्लियर इंजीनियर्स टू फिल द नॉलेज गैप इन ऑस्ट्रेलिया, लार्सन एंड टुब्रो। सो देर आर प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया हु आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो वो ट्रेड बढ़ सकता है। अगर आप इंडिया में डिप्लोमेटिक सरगर्मी देखें उसको आप चाइना से कंपेयर करें तो आरजू जी आपको आसमान जमीन का फर्क दिखे। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि चाइना पिछले 20-25 सालों में किस तरीके से टेक्नोलॉजी में मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, और उसने क्या किया कि उसे चोर देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने दूसरों की टेक्नोलॉजी चुरा के अपने आप को डेवलप किया, और कहीं ना कहीं डेवलप किया टेक्नोलॉजी में डेवलप करने के बाद पैसे कमाए, और पैसे कमाने के बाद दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जिनको वो डराने धमकाने लगा। जैसे कि आप भारत को ही ले लीजिए कि उसने भारत को भी धड़ूक दिखाने की कोशिश वो करता रहता है। अब मैं आपको बता दूं कि अब आप जो चाइना अपना फन लेके उभरा था, अब उसका फन कुचलने के लिए अमेरिका ने एक बहुत ही अच्छा प्लान तैयार कर लिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये लेटेस्ट वीडियो। अमेरिका ने चाइना में चिप मेकिंग जो हो रही है उसको फर्दर रोकने के लिए डील्स रोकी हैं। फर्दर मोर टाइटनिंग मींस चाइना वोंट हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अमेरिका एक प्रॉब्लम में तो है ही क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन चाइना कितना हैम्पर होगा इससे, यही इसी बात करेंगे। डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब हमारे साथ हैं। रोहित साहब थैंक यू वेरी मच। देखिए हम जिस दौर में रहते हैं उस दौर में जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी है, और पिछले 10-15 साल से दुनिया के कई मुल्क शिकायत कर रहे हैं कि चाइना उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। लोग परेशान हैं भाई, आप इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी एक नई चीज़ को ईजाद करने के लिए, फिर चाइना उसको चुरा लेता है एंड देन फिर उसको पैसे बनाता है उस पर ग्रोथ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम चिप्स कहते हैं। It enables you artificial intelligence का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, the hardware requires advanced level of integrated electronics वगैरह। जो design में innovation होता है वो America में होता है, चीज़ों को design करते हैं फिर ये private sector में जाता है, तो private sector idea को खरीदता है फिर उसको manufacturing के लिए वो China भेजा देता है। In the moment it goes to China for manufacturing, the technology is out, the design is out, the science is out. So they are going to put these limitations on the company. So, एक तो एक आप manufacturing China में नहीं कर सकते, so the technology will not be transferred to China. तो उससे ये होगा कि certain advanced manufacturing चीजें applications वो नहीं कर सकता। So for example America कहता है कि Apple cannot send iPhone 15 के ऊपर कुछ भी China में नहीं बेच सकता। तो imagine करें आप जो iPhone 17, 20 अगर दुनिया में सब use कर रहे हैं, China अगर सिर्फ 15 तक ही जा सकता, then the capabilities जो है उनकी industrial, economic वगैरह they can be restricted by that technological. So basically this is an effort to slow down China's technological progress. जैसे ये lockdown खुला है, you won't believe 1.1 crore people, 11 million people have applied for shifting out of China. These are high income people who are working for big companies or earning a lot of money, high-tech people or billionaires. 1.1 crore people applied for permanent residency into countries like America, Canada, Europe, even to their dushman country called Japan. अच्छा एक चीज़,
अगर आप कहानी देखें कि जिस तरीके से लोग वहां से जाना चाहते हैं दुश्मन कंट्री में या कहीं पे भी, क्या चाइनीज गवर्नमेंट को इस बात का पता है, इल्म है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स है तो ये चाइनीज गवर्नमेंट के पास होगी? व्हाट इज द चाइनीज गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? या चाइनीज गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया अब यूज किया जा रहा है, वहां पे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि देखिए अमेरिकन एम्बेसी के बाद लाइन लगी हुई है परमानेंट रेजिडेंसी को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं उनकी लाइन सेपरेट होती है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी लाइन सेपरेट होती है। रीजन जो इसका पहलू है जिसके कारण ये बिलियनियर्स भाग रहे हैं इस कंट्री से, उसका एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब हो गया कि जो इकोनॉमी है आज की डेट में चाइना की, उसमें बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। दूसरा, इन्होंने जो बैंकिंग नॉर्म्स है उसमें भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अभी इनका दो तीन दिन पहले ही पार्लियामेंट्री सेशन हुआ है, उसके अंदर भी इन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं फाइनेंशियल में। जब आप पैसा बाहर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे मेरे पास एक डेबिट कार्ड है, मैं हांगकांग जा रहा हूँ किसी और कंट्री में जा रहा हूँ, तो वहां जाकर मैं एटीएम से पैसे निकाल सकता था। अभी अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकता हूँ। रिस्ट्रिक्शन हैव स्टार्टेड कमिंग आउट, ताकि लोगों के लिए डिफिकल्ट बनता जाए कि पैसा अगर बाहर लेके भी जाना है तो कैसे लेके जाए। डॉक्टर साहब, ये जो एक बात कही जा रही है, जो डील हुई है सबमरीन की और इसमें यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू चैलेंज चाइना, और इसमें कहा जा रहा है कि ये बिग मूव है और इस बिना पर जो इस रीजन में इंडिया है उसको बहुत बेनिफिट होगा इनडायरेक्टली, क्या आप इससे एग्री करते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है आलिया। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देगा, और उसके बाद इंग्लैंड द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ सबमरीन्स इंग्लैंड डिजाइन करेगा। बट एट द नेवल लेवल ईदर ऑफ द टू कंट्रीज इज इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और साथ ही मैं आपको बता दूं यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।